सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को सम्मानित किया। श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने अवार्ड ग्रहण किया। सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का सम्मान मिलने पर बधाई दी। तो आपको बता दें, श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को सम्मानित किया। श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने अवार्ड ग्रहण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का सम्मान मिलने पर बधाई भी दी। आपको बता दें, श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने ये अवार्ड ग्रहण किया। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को सम्मानित किया। तो आपको बता दें कि श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने यह अवार्ड ग्रहण किया है। तो दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को सम्मानित किया है। वहीं श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने यह अवार्ड ग्रहण किया। सम्मान समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल का सम्मान मिलने पर बधाई भी दी। आप सभी पुरस्कार विजेताओं ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और दूसरों को भी प्रेरित किया। स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में आप सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अतः आप सब विशेष प्रोत्साहन और सम्मान के हकदार हैं। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह अभियान केवल सरकार का अभियान न होकर हर भारतवासी का अभियान बन गया। स्वच्छता के काम को हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाया। आज के पुरस्कार विजेताओं में भी अनेक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं। मैं स्वच्छता द्वारा राष्ट्र निर्माण में योगदान देकर पुरस्कृत होने के लिए रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सिक्किम और गुजरात की राज्य सरकारों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तथा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रबंधन को बधाई देता हूँ। श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल को देश में प्रतिष्ठित स्वच्छ स्थल के रूप में पुरस्कार मिला है और ये प्रतिष्ठित अवार्ड देश के राष्ट्रपति ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दिया है। श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी टीम उनके साथ मौजूद हैं, पीएसयू पार्टनर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। थैंक यू। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये जो अवार्ड जिस तरह से मिला है, क्या कुछ एफर्ट्स रहे हैं? एफर्ट्स रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि जब से श्राइन बोर्ड बना है तब से ही एफर्ट्स हो रहे हैं कि इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और पिछले एक दो वर्ष में जो है हमने आईओसी की मदद से, उनके ईडी साहब हमारे साथ खड़े हैं, वो हमारे पीएसयू पार्टनर थे, इनकी मदद से हमने रिवर्स वेंडिंग मशीन्स जो कि पेट बॉटल्स को क्रश करती हैं, वाटर कियोस्क जिन्हें हम एटीएम, वाटर एटीएम भी कहते हैं, म्यूल डंग जो वहाँ पर घोड़े चलते हैं उनकी जो डंग है उसको किस तरह से साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना है उसमें काम हुआ है। तो इन सभी प्रयासों का मिला जुला असर है कि आज भारत सरकार ने हमें सम्मानित किया है। सर, ये जो एफर्ट्स है अपने आप में, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल बनता है और पूरा देश देख रहा है, क्योंकि इतने श्रद्धालु आते हैं उसके बावजूद सफाई को लेकर इतने बढ़िया इंतजाम रहे हैं। बिल्कुल, आप जैसे सही कह रहे हैं कि ये जो ये वर्कफोर्स आई हुई है आपके सामने आज, ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये लगभग 700 के करीब इनकी फोर्स है और सबसे बड़ा एम्प्लॉयज़ का दल सफाई कर्मचारियों का है। तो ये 8 घंटे की शिफ्ट इनकी होती है, 24 घंटे यात्रा चलती है, ये अपने समय पे काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, सफाई करते हैं, कलेक्शन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जिसके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। सो एफर्ट जाता है, लेकिन क्योंकि ये मोटिवेटेड स्टाफ है इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है। सर, क्योंकि 24 घंटे की यात्रा है और पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं, तो एक एक इम्प्रेशन भी जहन में लेकर जाते हैं कि हम वहाँ पर आए थे और इतने अच्छे इंतज़ाम मिले हैं। अब श्राइन बोर्ड के जहन में क्या है, आगे इस तरह और सुविधाएं मिलती रहें?
ये चैलेंज है क्योंकि आप जब फर्स्ट आ जाते हैं उसके बाद उसे मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। सो अभी हम वही बात कर रहे थे कि और क्या हो सकता है। अभी भी प्लास्टिक को हैंडल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पेट बॉटल्स को कम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और भी जो इस क्षेत्र में जितना काम किया जाए वो कम है। सो अब हमारे लिए अब ये एक मोटिवेशन का काम करेगा कि किस तरह हम अगले साल भी इसको बरकरार रखें। देश के राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार दिया है, आप बता रहे हैं कि अब वो गर्व का तो विषय है लेकिन वो चुनौती भी बढ़ गई है उसे मेंटेन रखने की। बिल्कुल बिल्कुल, चुनौती बढ़ गई है और अब हमें ये सोचना है कि हम कैसे अवार्ड के लिए हम काम नहीं करता है, श्राइन जो है वो यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम करता है, लेकिन जब उसमें ऐसे सम्मान मिल जाता है तो एक चैलेंज नेक्स्ट टाइम के लिए रहता है। मैं यही बात अपने जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनको मैं कह रहा था कि आपने ये हासिल किया है, आपका अवार्ड है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पर ऑफिसर हम आते जाते रहेंगे लेकिन ये लोग यहाँ परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनका अवार्ड है और इन्होंने इसको अगले साल मेंटेन करना है और हमारा काम है इनको सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, वो हम करते रहेंगे। पूरी टीम के साथ आप यहाँ पर आए हैं, एक तरह से ठीक सबके जहन में होगा कि आज एक हमने बड़ा मुकाम हासिल किया है क्योंकि एग्जाम्पल भी बना है, सब अब श्राइन बोर्ड की ओर देख भी रहे हैं और सीखेंगे भी कि श्राइन बोर्ड कैसे इतना मेंटेन करके चलता है। हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंट से पंचायती राज की सेक्रेटरी भी आई हैं, सो जम्मू कश्मीर सरकार से वो भी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी जो सबसे नीचे काम करते हैं, हमारे मैनेजर्स वो भी आए हुए हैं जो मिडिल लेवल पे काम करते हैं, उनके सीनियर्स जो हैं वो भी आए हुए हैं, और सबसे जो CEO भी आए हैं, मैं खुद आया हूँ, और हमारे साथ जो हमारे IOC के पार्टनर हैं जो इंडियन ऑयल के चंडीगढ़ से वो भी आए हुए हैं। सो ये पूरी टीम जिसने काम किया है वो यहाँ पर हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारी टीम पीछे है कटरा में और भवन में, हम जाके उनको ये सौंपें और उनको ये बताएं कि ये राष्ट्रपति जी ने आपको दिया है, और उन्होंने राष्ट्रपति जी ने मुझे ये भी बोला है कि हमें उनको राष्ट्रपति भवन जाके मिलें और वो हमें और भी गाइड करेंगे कि क्या और काम करने की ज़रूरत है। सो उनसे हमें न्योता भी मिला है कि आप राष्ट्रपति भवन आएँ और मैं आपको गाइड करूँगा। ये बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, श्राइन बोर्ड को लेकर एक सवाल और मेरे जहन में है कि जब हम इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम कर रहे हैं लेकिन कहीं लोग ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से प्लास्टिक को कम करना बहुत बड़ा चैलेंज है, पेट बॉटल्स आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने खुद इसका जिक्र किया है, तो सर उसको लेकर कुछ ब्लूप्रिंट है कैसे आगे बढ़ना है? को लेकर इस अवार्ड में भी हमने एक काम किया है, IOC की मदद से हमने वाटर कियोस्क लगाए हैं जिसमें ठंडा पानी, कोसा पानी और गर्म पानी, उसके नलके हैं, वो पानी आता है और उसको रेगुलरली मेंटेन किया जाता है, वो हमने कियोस्क लगाए हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अभी एक वॉर स्केल पे सोचना पड़ेगा कि किस तरह पेट बॉटल्स को कम किया जाए, क्या कोई अल्टरनेटिव बॉटल हो सकती है, क्या कोई आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पानी की बॉटल को ले जाना बैन करें, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बैन करते हैं आपको यात्री को सुविधा देनी पड़ेगी पहले, बैन से पहले, तो वो सभी चीज़ों पर विचार होगा और ज़रूर हम कोई ना कोई बेहतरी अगली बार करेंगे। एक बार सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ एसोसिएट होना, जुड़ना और फिर आज इस अवार्ड तक पहुँचना कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसे अपने आप में बहुत एक अनुभूति है और राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिलना ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम लोग हमेशा इस तरह का एक्टिविटी से जुड़े रहे, आप जानते होंगे इंडियन ऑयल इस तरह का बहुत सारे काम करते रहे, बट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ये कंटिन्यूस एसोसिएशन आगे भी हम रहेंगे इनके साथ, बहुत सारा काम आगे करना है एक साथ, वो सारे हम इनके साथ मिल के आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कुछ सफाई कर्मचारी जो वहाँ से आए हैं उनसे ही बात करते हैं। आज राष्ट्रपति को आपने देखा, उन्होंने अवार्ड दिया, आप लोग वहाँ सफाई करते हैं, आज उसे नाम मिला है, इनाम मिला है, क्या कहेंगे? जय माता दी, बहुत अच्छा लगा सर, हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि हम इधर पहुँच पाएंगे, माता रानी की कृपा से हम लोगों इधर तक पहुँचे। जय माता। तो ये आप पूरी टीम को देख रहे हैं, पूरे स्टाफ को देख रहे हैं, श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल को सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल का अवार्ड मिला है, ये प्रतिष्ठित अवार्ड राष्ट्रपति के हाथों सौंपा गया है और श्राइन बोर्ड के CEO जैसा खुद कह रहे हैं कि इस अवार्ड मिलने के साथ ये चुनौती भी बढ़ गई है कि जो उन्हें पुरस्कार मिला है अब उस स्थिति को मेंटेन रखा जाए। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 न्यूज़, दिल्ली।